नंबर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ये नंबर जो चल रहा है ना 50, 100, 150, ये नंबर इम्पॉर्टेंट नहीं है, बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना है ये इम्पोर्टेंट। वे हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी में वो योग्यता है, वो क्षमता है कि सभी विपक्षी पार्टी को एकजुट करके नेतृत्व करने का काम करेंगे और जो केंद्र में तानाशाह की सरकार है उसको उखाड़ फेंकने का 2024 में काम करेंगे। तो अब देखिए ना, वो लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार तो वो लोग बढ़ावा दे रहे हैं, धन बल के आधार पर विधायक को तोड़ा जा रहा है, खरीदा जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक है और इस वक्त हम जेडीयू दफ्तर में मौजूद है। देखिए तमाम जितने पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा हो, तमाम जितने बिहार के मंत्री हैं जो कि राष्ट्रीय परिषद की इस बैठक में शामिल है, नीतीश कुमार भी पहुंचे हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मौजूद हैं, उपेंद्र कुशवाहा मौजूद हैं, संजय झा हो, लेसी सिंह हो, तमाम जितने पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो मौजूद हैं। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कल ही हुई है और आज राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही है, तो ऐसे में जितने सक्रिय सदस्य हैं वो यहाँ मौजूद हैं और रणनीतियाँ बनाई जा रही हैं 2024 को लेकर के कैसे बीजेपी को रोका जाए। नीतीश कुमार खुद यहाँ मौजूद हैं, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह मौजूद हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में साफ तौर पे, और तमाम जितने पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं वो यहाँ आपको दिख रहे होंगे। जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही है, ऐसे में तमाम जितने नेता हैं वो यहाँ मौजूद हैं, जितने सक्रिय सदस्य हैं वो मौजूद हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में हर ओर चेहरे पर खुशी दिख रही है। नीतीश कुमार को पीएम बनाने की बात हो रही है, पीएम के योग्य उम्मीदवार हैं, योग्यता रखते हैं, और चाहे वो जितनी महिलाएं हों जो कि इस राष्ट्रीय परिषद की बैठक में शामिल हुई हैं, हम तमाम तस्वीरें यहाँ आगे की दिखा रहे हैं। देखिए कैसे नीतीश कुमार को जब पीएम बनाने की बात हो रही है तो सबके चेहरे पर मुस्कान है, हर ओर खुशी दिख रही है। और इस जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में क्या मंथन होगा, क्या बातें होंगी, उससे हम आपको अवगत कराएंगे, लेकिन ये तमाम तस्वीरें जो हैं वो आपको दिखा रहे हैं। ऐसे में बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी और बिहार सरकार के मंत्री लेसी सिंह क्या कुछ कह रही थी इस राष्ट्रीय परिषद की बैठक को लेकर, जरा सुनिए। केंद्र सरकार में जो सत्ता में है, आप कह रहे हैं कि उन्हें 50 सीट आउट कर देंगे, कुछ ज़्यादा कम नहीं कर रहे हैं आप लोग? ऐसा है कि जब आप अपोजिशन में रहते हैं तो 50 का है, आप तो 0 पर आउट कराने के चक्कर में रहते हैं ना। नंबर इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ये नंबर जो चल रहा है ना 50, 100, 150, ये नंबर इम्पोर्टेंट नहीं है, बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना है ये इम्पोर्टेंट। हो पाएगा आपको लगता है नीतीश कुमार वो मादा है, क्योंकि आप लोग जो पोस्टर लगवा रहे हैं कि जो बिहार में दिखा है भारत में दिखेगा, एक बड़ा नहीं भाई, ऐसा है कि हम लोगों ने क्या कहा कि बार बार आप लोग ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं, नीतीश जी खुद कह रहे हैं बार बार कि हम प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं, तो बार बार इस बात को क्यों उठा रहे हैं कि पोस्टर क्या कह रहा है, आदमी क्या कह रहा है, अशोक चौधरी क्या कह रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट नहीं है। नीतीश कुमार ने खुद कहा है कि वो हमारी व्यक्तिगत कोई रुचि नहीं है, हम विपक्षी एकता को हम एकजुट करना चाहते हैं जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को 2024 के चुनाव में हम मात दे सके। अब बीजेपी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है अभी हम कैसे कह सकते हैं, हमारा अपना प्लान है, हमारा अपना प्लान है, हम अपने प्लान पे चल रहे हैं कि वी विल ट्राई टू यूनाइट द ऑपोजिशन। नीतीश जी विल गो टू दिल्ली, ही विल मीट द ऑल पॉलिटिकल पार्टी लीडर्स हु बिलोंग्स टू ऑपोजिशन पार्टी एंड ट्राई टू क्रिएट अ यूनिफॉर्म यूनिटी इंक्लूडिंग कांग्रेस। अपने विधायक तो सर आपके चले जा रहे हैं छोड़कर, तो एक सवाल तो खड़ा हो रहा है ना, कहाँ विधायक छोड़ के चले गए? अरे मणिपुर में तो एक तो ये तो बीजेपी का प्लान रहता है ना हमेशा। मैडम पटना की सड़कों पर पोस्टर लगा है, बिहार में दिखा भारत में दिखेगा, बिहार में क्या दिखेगा? बिहार में तो आप देख रहे हैं शून्य से शिखर तक बिहार को पहुँचाने का काम किए हैं, हर क्षेत्र में विकास का काम हुआ है, महिलाओं का उत्थान हुआ है, तब देश में जो हालात है, जो अभी अघोषित आपातकाल लागू है, कोई खिलाफ बोल नहीं सकते हैं, कुछ कर नहीं सकते हैं, तो जो अभी लोकतंत्र खतरे में है उसको देखते हुए हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी में वो योग्यता है, वो क्षमता है कि सभी विपक्षी पार्टी को एकजुट करके नेतृत्व करने का काम करेंगे और जो केंद्र में तानाशाह की सरकार है उसको उखाड़ फेंकने का 2024 में काम करेंगे। मादा रखते हैं नरेंद्र मोदी को सीधी टक्कर देने की? क्यों नहीं रखेंगे, लोग जो है जनता उब चुकी है पूरे देश में, सब महंगाई चरम पर है, पूरे लोग त्रस्त हैं, कोई बेरोजगारी है, तो ये सारा जो मामला है जनता झेल रही है,
आने वाले 2024 के चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देगी जनता। 50 सीट पे आप लोग रोक देंगे बीजेपी? जरूर रोका जाएगा। जितने भी अभी जनता उब चुकी है, महंगाई देख रहे हैं आप लोग किस चरम पर है, आम लोग परेशान है, इसलिए जो जन आक्रोश है उसको देखते हुए सभी विपक्षी पार्टी गोलबंद हो रहे हैं कि जो केंद्र में तानाशाह की सरकार है उस जरूर मिलेंगे। सभी विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं उनसे मिलेंगे, उनसे राय मशवरा करेंगे, विचार करेंगे और एक मुहिम चलाएंगे पूरे देश भर में। वो कह रहे हैं कि बिहार में अपराध दिख रहा है, भ्रष्टाचार दिख रहा है, यही दिखेगा भारत में? तो उनके साथ जब थे तो उस समय नहीं दिखता था, उनसे जैसे ही अलग हुए जो मजमा 8 दिन नहीं हुआ है उनको दिखने लगा। उनके साथ रहे तो सब ठीक है, उनसे अलग हो जाए तो सब गड़बड़ हो जाता है। ऐसा नहीं होता है तो अब देखिए ना, वो लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार तो वो लोग बढ़ावा दे रहे हैं। धन बल के आधार पर विधायक को तोड़ा जा रहा है, खरीदा जा रहा है। आप झारखंड देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, अभी देख लीजिए मणिपुर वाला। हम लोग जब साथ थे तब अरुणाचल प्रदेश में विधायकों को तोड़ा गया। तो ये तो वो लोग भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं, धन बल के आधार पर लोकतंत्र को खतरा में डाल रहे हैं। एकदम वो लोग जो भी तिकड़म करना है वो नीचे से नीचे स्तर पर जाके एन केन प्रकारेण चाहते हैं कि हमारा ही राज देश में रहे, कोई विपक्षी पार्टी नहीं रहे, कोई विरोध में बोलने वाला नहीं रहे। तो ये अब चलने वाला नहीं है, बहुत हो गया। 2024 की एकदम शुरुआत हो चुकी है और बिहार की धरती जेपी की धरती है। 74 में जो यहाँ जेपी मूवमेंट हुआ था और फिर 50 वर्ष के बाद वो दोहराया जा रहा है। नीतीश कुमार के अलग है ही बिहार के जेपी, दूसरा जेपी नीतीश कुमार जी हैं। तो कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, आज राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई, नीतीश कुमार को पीएम बनाने की योजना बनाई जा रही है, विपक्षी खेमे को, तमाम जितनी विपक्षी पार्टियां हैं उन्हें कैसे एकजुट किया जाए ये रणनीति बन रही है। ऐसे में यह एक सुरक्षित तस्वीरें जेडीयू दफ्तर से निकल के आ रही है जहाँ पर नीतीश कुमार खुद पहुँचे हैं, ललन सिंह मौजूद हैं और पार्टी के तमाम जितने वरिष्ठ नेता हैं, अशोक चौधरी हों या फिर तमाम जितने बिहार के मंत्री हैं, वो सभी यहाँ मौजूद हैं। जेडीयू की राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद क्या कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिया जाएगा उसे तो हम आपको अवगत कराएंगे, लेकिन पहले सभी की तमाम जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। हर ओर चेहरे पर चमक है और एक अलग सी उत्साह है, जो विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की बात हो रही है, ये हर ओर जो है वो तमाम तस्वीरें दिख रही हैं, चाहे वो विपक्षी खेमे को एकजुट करना हो, नीतीश कुमार दिल्ली भी जा रहे हैं और तमाम जितने नेता थे, चाहे वो लेसी सिंह हो, अशोक चौधरी हो, उन्होंने क्या कहा हमने आपको सुनाया है। नीतीश कुमार पहुंचे हैं, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा मौजूद हैं और एकजुटता की जब बात हो रही है तो यहाँ दिख रहा है कि जब रणनीतियाँ बन रही हैं, चाहे वो कार्यकारिणी की बैठक की बात हो, राष्ट्रीय परिषद की बैठक की बात हो, राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक की बात हो, महागठबंधन की सरकार बनने के बाद बिहार में पहली दफा ऐसा मौका है जब तमाम जितने जेडीयू के वर्कर हैं, नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो सभी मिल बैठकर रणनीति बना रहे हैं कैसे आगे विपक्ष को एकजुट करके बीजेपी को धराशायी किया जाए। नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश कुमार का चेहरा बनाया गया है, रखा गया है और बिहार ने देखा है, अब भारत देखेगा, ये बातें भी कही जा रही हैं। इन नारों के साथ, इन दावों के साथ क्या कुछ मंथन जो हो रहा है, उससे क्या फलाफल निकलता है, इसे आप अवगत कराएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।